काशीपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मोबाइल की जगह खेलों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस आयोजन को किया गया। काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं में मोबाइल की जगह खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन खेलेगा उत्तराखंड जीतेगा उत्तराखंड की अवधारणा को लेकर आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ दीप जलाकर पूर्व सांसद एवं वेटलिफ्टिंग में नेशनल चैंपियन केसी सिंह बाबा ने किया। इस टूर्नामेंट में आयोजक क्षितिज पंत और मृदुल पाठक के साथ बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य लोगों को मोबाइल से दूर कर खेलों के करीब लाना था। खेलेगा उत्तराखंड की अवधारणा को लेके इस मैच का आयोजन किया गया है। इस मैच में इन उत्तराखंड के युवाओं को मोबाइल की लत से हटाने के लिए उन्हें खेल का नशा चढ़े, इसके पीछे ये अवधारणा है। और तो यहाँ पर ये इस मैच में गेम स्टार्ट होने को है। जो टीमें आई हैं वो राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। रीजनल मैनेजर शुभम जी, जो टीमों का प्रदर्शन अब तक रहा है वो बेस्ट, दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार। इसके बारे में बाकी पूरे कुमार मंडल के रीजनल मैनेजर शुभम ब्रावर जो इसके मुख्य कर्णधार है, सूत्रधार है, उनके द्वारा संचालित टूर्नामेंट कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, जो कि बच्चों को कल से खेल और खेल के प्रति रुझान बढ़े और उनकी रुचि बढ़े, वो आए स्टेडियम में, जो भी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करी जाती हैं उनको आके यूटिलाइज कर, यही बताया उन्हें जा सके कि खेल में भी भविष्य है। ये उन्हें बताया जा सके कि खेल में आगे मेहनत करने से तन मन और साथ ही साथ धन का भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर खेल रही टीम उसका इसका उद्देश्य जैसे मृदुल पाठक बच्चों के द्वारा है, बच्चों के लिए खिलाड़ियों के द्वारा खिलाड़ियों के लिए है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।